हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल में। सो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सभी को काउंटर का जो रिजर्वेशन फॉर्म होता है वो कैसे भरा जाता है, आज की इस वीडियो में यही आप सभी को स्टेप बाय स्टेप बताने वाले हैं। और क्योंकि ये जो मैं बताने जा रहा हूँ ये सभी को अक्सर पता होता है, लेकिन फिर भी मैं बता इसलिए रहा हूँ कि हमारे कुछ सब्सक्राइबर है जो कि मुझे कॉमेंट करते हैं कि काउंटर का जो फॉर्म होता है नॉर्मली कैसे फिलअप किया जाता है। तत्काल के लिए मैं ऑलरेडी एक फॉर्म फिलअप करके वीडियो अपलोड करके दिखा चुका हूँ। जस्ट ये नॉर्मल लोगों जो कि वेटिंग टिकट या कंफर्म टिकट बुक करते हैं तो उनको किस तरह से फॉर्म भरा जाता है या कैसे भर सकते हैं ताकि कोई गलती ना हो। अगर गलती होता है तो वो काउंटर क्लर्क जो होता है वो रिजेक्ट कर देता है, फिर से लाइन के पीछे खड़ा कर देता है। इसीलिए आप फॉर्म भरना अगर ठीक से जान जाते हैं तो आप एक ही बार में फॉर्म फिलअप करके आप अपना इजीली कंफर्म या वेटिंग टिकट बुकिंग कर सकते हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि रेलवे का जो काउंटर का जो फॉर्म होता है सेम इसी तरह से होता है। आप कोई भी रेलवे काउंटर पर, अपने जो भी नज़दीकी रेलवे काउंटर होगा वहाँ पर आप जाके रिजर्वेशन फॉर्म ले सकते हैं, जो कि इस तरह से देखने को आपको इंटरफेस मिलेगा। तो सबसे पहले दोस्तों, अगर आप टिकट बुकिंग कराना चाहते हैं वो चाहे 3 महीना बाद या 2 महीना बाद या 1 महीना बाद या 2 दिन बाद या 1 दिन उसी दिन, तो आपको करना क्या है, आप जिस भी ट्रेन में सफ़र करने वाले हैं, जिस भी ट्रेन का टिकट लेना चाहते हैं, वो जस्ट आप अपना IRCTC का रेल कनेक्ट ऐप अपना मोबाइल में ओपन कर लीजिएगा। जो IRCTC का ऑथराइज्ड ऐप होता है उसमें ओपन करने के बाद आप जहां से भी जहां तक जाने वाले हैं उसमें सर्च कर लीजिएगा और जिस ट्रेन में आपको सूटेबल होगा उस ट्रेन का नंबर और उस ट्रेन का नाम आपको याद कर लेना है या वो फॉर्म भरते समय आपको सामने रख लेना। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि गाड़ी संख्या और नाम जो कि ट्रेन नंबर और नेम इसमें पूछा जा रहा था। जैसे कि मैं फिलअप किया हूँ 12864 SMVB हावड़ा एक्सप्रेस, जो ट्रेन का नाम है, ठीक है। और एग्जांपल में मैं आपको बता दूं कि देखिए इसी के नीचे ठीक लिखा हुआ है यात्रा की तारीख, मतलब डेट ऑफ जर्नी, किस डेट में आप टिकट बुकिंग करना चाहते हैं। तो सिंपली आप अपना डेट मेंशन कर दीजिएगा। जैसे कि मैं मेंशन किया हूँ 31/12/2023 स्लीपर क्लास, जैसे कि स्टडी जो दिया हुआ क्लास, आप किस क्लास में टिकट लेना चाहते हैं तो वो आपको इसमें फिल कर देना है। इसके बाद जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि दिया हुआ है नीचे में स्टेशन, फ्रॉम कौन से स्टेशन से कहां तक आपको बुकिंग करवाना है वो आपको फिल कर देना है, ठीक है। एकदम फॉर्म को साफ़ सुथरा फिल करिएगा ताकि टिकट क्लर्क आपका फॉर्म को अच्छे से समझ सके और वो इजीली आपको कंफर्म या वेटिंग टिकट मतलब बुकिंग करके दे दे। नहीं तो फिर क्या होता है कि अगर गलत फॉर्म भरते तो आपको फिर लाइन के पीछे कर दिया जाता है और फिर आपको एक ही फॉर्म को बार बार आपको रिपीट से फॉर्म भरना पड़ता है, बार बार आप क्लर्क के पास जाते हैं तो बार बार वो रिजेक्ट कर देता है, ठीक है। तो दोस्तों इसीलिए आप फॉर्म को अच्छे से फिलअप करें ताकि आपको बार बार लाइन में अपना टाइम वेस्ट ना करना पड़े, ठीक है। तो आपको फ्रॉम और टू भर लेने के बाद जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि यात्रा आरंभ करने का स्टेशन, जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि इसमें जो शो हो रहा है यात्रा आरंभ करने का, जैसे बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो मान के चलिए वो बोर्डिंग चेंज करते हैं। जैसे मान के चलिए आप कुछ स्टेशन पहले टिकट बुकिंग करा दिए और कुछ स्टेशन के बाद आपको ट्रेन में उठना है तो आप अपना बोर्डिंग स्टेशन भी इसमें दे सकते हैं, वरना आप ऐसे ही छोड़ सकते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं मैं डॉट डॉट देके छोड़ दिया हूँ, वैसे ही आप छोड़ सकते हैं। इसके बाद जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि इसमें मोबाइल नंबर जो दिया हुआ है आपको सिंपली अपना मोबाइल नंबर इसमें लिख देना है, ठीक है। लिख याद से अपना मोबाइल नंबर लिखना ना भूले, और मोबाइल नंबर जब अगर आप लिखते भी हैं तो इसमें ध्यान रखें कि बार बार इसमें ओवर राइटिंग ना करें फॉर्म में, ठीक है। इसके बाद आप देख पा रहे हैं कि इसमें कैपिटल लेटर में बोला गया है, मैं स्मॉल लेटर में लिखा हूँ, कैपिटल स्मॉल दोनों मिक्स करके, लेकिन आप कैपिटल लेटर में आप अपना नाम को लिखिएगा, ठीक है। और शॉर्ट नेम कोशिश करिएगा नहीं लिखने के लिए, आप फुल नेम लिखिएगा क्योंकि आजकल फुल नेम ही काउंटर पर ज़्यादा डिमांड होता है, ठीक है। तो आप नेम ऑफ द, देखिए वहाँ पर लिखा नेम इन ब्लॉक लेटर नॉट मोर देन 15 लेटर, अगर 15 लेटर से ज़्यादा है तो आप शॉर्ट कर सकते हैं, अगर 15 लेटर के अंडर में है तो आप अपना कैपिटल में नाम लिख सकते हैं। इसके बाद नेशनलिटी में जब आपको पूरा इंडियन नहीं लिखना है, सिर्फ आप IB लिख दीजिएगा तो हो जाएगा। बहुत सारे लोग होते हैं जो इतना छोटा कॉलम में इंडियन पूरा लिख देते हैं, जिससे क्या होता है कि दिक्कत हो जाता है, फॉर्म अच्छे से दिखता नहीं है और टिकट क्लर्क तत्काल या नॉर्मल बुकिंग के समय ये फॉर्म को रिजेक्ट करके बोलता है फिर से फॉर्म भरने के लिए, ठीक है। तो आप ये गलती ना करिएगा। इसके बाद जेंडर में जो देख पा रहे हैं आप मेल और फीमेल, मतलब M और F लिखा जाता है, ये नहीं कि आपको पूरा मेल और फीमेल लिखा जाता है, ठीक है। आप शॉर्ट में M या F लिख दीजिएगा, इतना ही काफ़ी है। इसके बाद एज में आप मतलब जिसका जो एज होगा पूरा कैलकुलेट करके आपको इसमें बैठा देना है। इसके बाद में जैसे कि कंसेशन वगैरह, जो सीनियर सिटीजन वगैरह होता है यहाँ पे कंसेशन का बॉक्स दिया हुआ है, या जो लोग AC वगैरह में ट्रेवल करते हैं उनको फूड भी मतलब दिया जाता है। आजकल तो दुरंतो वगैरह में जो स्लीपर में भी फूड अलाउ कर दिया गया है, तो जिनको अपना फूड जो सिलेक्ट करना है वेज या नॉन वेज वो अपना
पिकआउट करके छोड़ सकते हैं, उनको अपना अगर वेज नॉन वेज जो भी खाना है उनको प्रोवाइड हो जाएगा और जो चार्ज लगता है वो टिकट कलर काट लेगा। इसके बाद जैसे कि नीचे में आप देख पा रहे हैं कि 5 साल से कम आयु के बच्चे, जैसे कि अगर आपके पास या आपके साथ में 5 साल से कम आयु के बच्चे अगर आपके साथ में ट्रेवल करते हैं तो आप उनका नाम यहाँ पे स्पष्ट रूप से ब्लॉक लेटर में लिख सकते हैं और उनका जेंडर और उनका एज इसमें लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि वापसी यात्रा का विवरण मतलब रिटर्न टिकट, अगर बाय द वे अगर आप जिस स्टेशन जाते हैं और कुछ महीना बाद या कुछ दिनों के बाद अगर आप उसी स्टेशन से और उसी ट्रेन में आप वापस आना चाहते हैं तो सेम आपको कुछ दूसरा फॉर्म भरने का ज़रूरत नहीं है। आप इसी फॉर्म में अपना ट्रेन नंबर, डेट ऑफ जर्नी और फ्रॉम और टू लिख कर आप काउंटर में जमा दे सकते हैं। इससे आपको अप एंड डाउन मतलब जाने वाला और आने वाला दोनों टिकट एक ही फॉर्म में आपका मतलब टिकट बुकिंग हो जाएगा आने का और जाने का, ठीक है। इसके बाद जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि इसमें आवेदक का नाम मतलब जो भी लोग अगर काउंटर पर जाते हैं टिकट कटवाने के लिए, बुकिंग करवाने के लिए, तो वो जरूरी नहीं है कि जो पैसेंजर है वही जा सकता है, इसमें कोई भी उनके घर का कोई फैमिली मेम्बर जा सकता है। तो जैसे कि आप देख पा रहे नेम ऑफ द एप्लीकेंट में वो अपना नाम लिख देंगे, इसके बाद में वो अपना एड्रेस जो होता है वो अपना एड्रेस लिख देंगे। जैसे कि आप देख पा रहे हैं मैं अपना यहाँ पर एड्रेस में मेंशन कर चुका हूँ पिन कोड के साथ। आपको याद रखिएगा आपको पिन कोड के साथ ही एड्रेस मेंशन मतलब करना उचित होता है। और यहाँ पे आधार नंबर जो दिया है ऑप्शनल, इसमें आपको जरूरी नहीं कि आप अपना आधार कार्ड का नंबर दीजिएगा ही, इसमें आप ऑप्शनल नहीं भी दे सकते हैं। और इसके बाद में जैसे कि नीचे में आप देख पा रहे हैं कि इसमें यात्रा का तारीख इसमें पूछा गया है तो ये भी आप इसमें मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में सिग्नेचर मोस्ट होता है, अगर आप फॉर्म में नहीं करते तो उसके कारण भी आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है या आपको मतलब लाइन से बाहर निकाल देते हैं, जाके आप साइड में अपना सिग्नेचर कीजिए। तो आप याद रखिएगा कभी भी अगर आप फॉर्म फिलअप करते हैं तो वो जो कॉर्नर होता है फॉर्म का वहाँ पे देखिएगा सिग्नेचर ऑफ द एप्लीकेंट वहाँ पे लिखा रहता है, वहाँ पे आपको अपना सिग्नेचर कर देना। तो दोस्तों इससे ज़्यादा अब फॉर्म में कुछ होता नहीं है, बहुत सारे लोग खिचड़ी बना देते हैं छोटे से फॉर्म को, इतना कुछ बस इतना ही काफ़ी आपको फॉर्म फिलअप करके टिकट बुकिंग करवाने के लिए। सो आई होप कि आप सभी को मेरा यह जानकारी काफ़ी अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारा अगला वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे।